तो गाइस फ्री फायर में बहुत ही जल्दी एक MP40 की न्यू स्किन आने वाली है जो कि यार काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, मतलब बहुत ही तगड़ी है गाइस कोबरा MP40 से। तो उसका पूरा लुक एंड कंफर्म डेट आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। एंड उस MP40 के आने से पहले गाइस अपनी कोबरा MP40 भी रिटर्न आने वाली है, सो उसकी भी कंफर्म डेट आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में गाइस कोबरा MP40 का और उस न्यू वाली MP40 का कंपेरिजन भी करने वाला है, आपको फाइनल रिजल्ट बता दूंगा आपको कोबरा MP40 लेनी चाहिए या ये न्यू वाली MP40 की स्किन लेनी चाहिए, कौन सी दोनों में आपको सस्ती पड़ेगी और मस्त पड़ेगी। ठीक है, तो भाई ये वीडियो काफी ज्यादा दमदार होने वाली है, सो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लेना। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस यार सबसे पहले आपको दिखाया तो हम फ्री फायर में आने वाले न्यू MP40 की स्किन जो कि काफी ज्यादा ऑसम होने वाली है। आप लोग देख सकते हो स्किन पे गाइस जिसका नाम है ट्यून्स ऑफ रोजेस और यार इतनी ज्यादा ऑसम है भाई क्या ही बोलूं, मैं तो इसका फैन हो गया। और जो इसके एट्रीब्यूट्स है ना यार वो भी आप लोग देख सकते हो गाइस यहां पे डबल डैमेज हो चुका है, सिंगल रेट ऑफ फायर आपको इसमें मिलेगा और एक मूवमेंट स्पीड गाइस यहां पे घट चुकी है। तो ये आपके फेयरड व्हील इवेंट में आने वाले सबसे अच्छी बात। एंड इसके साथ में गाइस आपको एक इमोट भी देखने को मिलेगा और ये आने वाले गाइस अपने 15 से 20 अगस्त के बीच में कभी भी आ जाएगी। तो भाई ये जो गन स्किन है ना MP40 का काफी ज्यादा ऑसम होने वाली है, मुझे बताना आप कमेंट बॉक्स में आपको MP40 की न्यू स्किन कैसी लगी। और हाँ इस MP40 के साथ में जो आप न्यू इमोट देख रहे हो ना भाई जस्टिन बीबर के कोलैब्रेशन पे आएगा 5th एनिवर्सरी पे, तो उसी टाइम पे अपनी ये MP40 की न्यू स्किन भी आ जाएगी और उसी फेयरड व्हील इवेंट में गाइस आपको ये न्यू इमोट मिल जाएगा। ठीक है, जो कि जस्टिन बीबर का होने वाला है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं अपने कोबरा MP40 के बारे में। सबसे पहले तो गाइस आपको बता देता हूं ये जो अपनी MP40 की न्यू स्किन आ रही है ना इससे 1 या 2 हफ्ते पहले कोबरा MP40 को रिटर्न में डाला जाएगा। जैसे अभी ड्रैको के डाले रिटर्न में, सेम गाइस कोबरा MP40 को रिटर्न में डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे सिंपल रीजन यही है भाई, कोबरा MP40 से भी तगड़े एट्रीब्यूट्स वाली जो गन स्किन है वो आने वाली है। तो अपनी कोबरा MP40 को फिर से उससे पैसा बनाने के लिए उसको रिटर्न में डालेंगे एंड कुछ बंदे उसको निकाल लेंगे जो इंटेलिजेंट होंगे भाई मेरी तरह, जो कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, तो वो कोबरा MP40 को नहीं निकालेंगे क्योंकि भाई यहां पे जो बेस्ट है ना वो ये ट्यून्स ऑफ रोज वाली स्किन है। अभी बताता हूं क्यों। ठीक है, तो पहले तो भाई मैंने आपको बता दिया कंफर्म डेट क्या होगी कोबरा MP40 की, आपकी 10 अगस्त तक जो है ना इजीली कोबरा MP40 रिटर्न में आ जाएगी और 15 से 20 अगस्त के बीच में आपको इस न्यू वाली MP40 का फेयरवेल देखने को मिल जाएगा। अब गाइस यहां पे कर लेते हैं अपना कंपैरिजन कोबरा MP40 के बीच और अपने न्यू MP40 स्किन के बीच। ठीक है, तो भाई देखो जो कोबरा MP40 की न्यू कोबरा MP40 जो है उसको जब आप लेवल 1 पे लोगे ना तो उसके जो एट्रीब्यूट्स आपको मिलेंगे वो देख लो। डैमेज इसमें आपको सिंगल मिलेगा बढ़ा हुआ, रेट ऑफ फायर सिंगल बढ़ा हुआ मिलेगा और जो रिलोड स्पीड होगी वो डबल घटी हुई मिलेगी। ठीक है, जो कि एकदम घटिया हो चुकी है, मतलब डैमेज के मामले में सही है, रेट ऑफ फायर के मामले में सही है, लेकिन लेवल 1 पे वो आपको मिलेगी कब, जब आप वहां पे 1100 डायमंड अपने खर्च कर दोगे उस फेयरड व्हील इवेंट को। ठीक है, तो इससे बढ़िया हम कोबरा MP40 को ना लेके उन 1100 डायमंड को बचा के अपने इस MP40 के न्यू स्किन के फेयरड व्हील में लगाएं ना। 1100, 1040, 50 कुछ ऐसे ही लगते हैं, मैं तो 1100 बता रहा हूँ। ठीक है, और जब अगर आपको उस वाले MP40 के बराबर एट्रीब्यूट चाहिए तो आपको कोबरा MP40 को मैक्स करना पड़ेगा। ठीक है, और उसको मैक्स करने में कम से कम 7-8 हज़ार डायमंड तो लग ही जाएंगे। तो भाई समझ सकते हो आप, इंटेलिजेंट हो, मुझे सजा तो समझाने की जरूरत नहीं है। तो जो अपनी न्यू MP40 की स्किन है उसे लो ना यार, सब कुछ वही मामला है, जो डैमेज वाला एट्रीब्यूट है वही घट चुका है, बस वही अलग है, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुझे तगड़ी लगी ना भाई ट्यून्स ऑफ रोज वाली MP40 की न्यू स्किन लगी, कोबरा MP40 रिटर्न आ रही है कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो भाई पहले भी नहीं ली थी, अब भी नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पोकर MP40 है और अगर मन करा तो भाई जो न्यू MP40 की स्किन आ रही है उसको ले लेंगे। वैसे मैं लूंगा नहीं क्योंकि पोकर MP40 है मेरे पास भाई, टॉप वाली जो कि ग्लिच में निकाल दी थी मैंने। ठीक है, तो भाई ये कुछ सिनेरियो जो कि आपको मुझे समझाना था एंड होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में आप इस कोबर MP40 स्किन लोगे या ट्यून्स ऑफ रोज MP40 स्किन लोगे, क्योंकि गाइस देखो कोबर MP40 अगर आपको लेनी है तो एट्रीब्यूट्स के मामले तो वो पीछे है, बस आपको लुक वगैरह मिल जाएंगे, आपको इफेक्ट मिल जाएंगे, इमोट मिल जाएंगे, ये चीज मिलेंगी, लेकिन इमोट तो भाई आपको न्यू MP40 की स्किन के साथ ही मिल रहा है ना फेयरड व्हील इवेंट में, तो भाई चाहिए क्या यार, इतने सस्ते में इतनी अच्छी गन स्किन मिल रही है तो उसे लो ना, क्यों यार बिना आधे पैसे बर्बाद करें अपने कोबर MP40 में, अब तो वो रिटर्न आ गई क्या वैल्यू। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, सो वीडियो को जल्द से एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हो पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।